हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब करने अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क को। 10 मार्च तक जो है खुलेगा पोर्टल, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात चल रही है जिसमें यहाँ पर परिसर में वह संबद्ध जो कॉलेज है उसके 2023-24 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर और यहाँ पर स्नातक और प्रथम सेमेस्टर के सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से जो है प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा यहाँ पर जो है कथित कारणों से यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क नहीं भरा गया लेकिन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा करने के लिए 10 मार्च से तिथि खोल दी गई है। एमबीपीजी कॉलेज में जो है 10 दिन संस्कृत की जो है बारी को यहाँ सीखेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर संस्कृत भारती का जो है 10 दिवसीय सरल संस्कृत संभाषण शिविर जो है सोमवार से एमबीपीजी कॉलेज और यहाँ पर जो है महादेवगिरी शिव मंदिर में जो है शुरू होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर जो है गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करें जो कि समून कासमी, तो यहाँ पर देखते हैं हल्द्वानी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने कासमी ने जो सोमवार को हल्द्वानी के मदरसों का जो निरीक्षण किया और यहाँ पर बच्चों से मिलकर उन्हें राष्ट्र की जो है प्रगति में जो है योगदान देने का जो है प्रेरित किया गया। और वहीं बात करें उत्तराखंड के संस्कृत बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, तो यहाँ पर देखते हैं संस्कृत जो बोर्ड परीक्षा है उसका रिजल्ट संस्कृत का आपको यहाँ पर अप्रैल सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा। प्रदेश सरकार का जो है स्कूली शिक्षा से यहाँ पर उच्च शिक्षा सत्र की व्यवस्था करने पर जो है फोकस है और इससे ऐसे में जो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है वो समय पर जो है जारी करने के लिए जुट गया है और 12 मार्च को जो है सम्पन्न हो रही है यहाँ पर पूर्व माध्यमा हाई स्कूल और यहाँ पर उत्तर माध्यमिक के इंटर की बोर्ड परीक्षाएं का परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर 1232 जो बालिका है उन्होंने छोड़ी दी गृह विज्ञान की परीक्षा, तो इतने लोगों ने रामनगर में परीक्षा छोड़ दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति के छात्रों को यहाँ पर जो है बड़ी राहत और केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार दसमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने का निर्णय, तो यहाँ पर जो छात्रवृत्ति दसमोत्तर में मिलती थी उसकी दरें अब बढ़ जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सौगात दे दी है, कहा है कि यहाँ पर जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और राज्य मंत्रिमंडल ने जो है छात्रावास में रहने वाले और यहाँ पर जो है डे स्कॉलर छात्र छात्राओं को अब यहाँ पर केंद्र की भांति ही यहाँ पर छात्रवृत्ति में की जो नई दरें हैं वो देने का निर्णय किया गया है और सरकार के आदेशों की जो है अब नहीं हो सकेगी अवहेलना। तो कहा है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत वित्तीय अधिकारी और लेखाकार सरकार के आदेशों की जो उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पर उल्लंघन करने वाले को बताया गया है कि उल्लंघन के कई प्रकरण जिसमें सहायक लेखाकार और यहाँ पर लेखाकारों की वरिष्ठ व यहाँ पर प्रतिनिधि में होगी एक रूपता बताया गया है। और वहीं यहाँ पर पुलिस ने भिक्षा मांगने वाले 40 बच्चे के चिन्हित भेजे जाएंगे स्कूल, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपके भिक्षा नहीं शिक्षा को लेकर एक अभियान चला हुआ है स्कूल लेकर जो है यहाँ पर जो भी 40 बच्चे चिन्हित किए गए हैं उनको अब स्कूल भेजा जाएगा। उत्तराखंड के संस्कृत अकादमी में साक्षात्कार की तिथि विस्तृत सूचना जारी कर रखा है जिसमें यहाँ पर 6-3 को कल को यहाँ पर साक्षात्कार के माध्यम से अस्थायी और संविदा के माध्यम से जो संस्कृत महाविद्यालय विद्यालय महाविद्यालय इनमें इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ से चेकआउट कर लेना पूरी जानकारी। लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो है आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी राज्य संपत्ति विभाग और लोक सेवा आयोग व्यवस्था अधिकारी और व्यवस्थापक परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पर 13 पदों की सापेक्ष से आप सभी के लिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन खोल दिया गया है। अगर इन पदों पर भर रखा है फॉर्म अगर आप लोग करना चाहते हैं एडिट, तो 2 मार्च तक जो है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एडिट आपको यहाँ पर जो है 6-3 तक, ठीक है, 5-3 से लेकर 6-3 तक जो है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और वहीं वो लोक सेवा आयोग ने दूसरी अपडेट यहाँ पर जो है उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ मार्क्स जो आपको इंटरव्यू के बाद देखने को मिलेंगे। साक्षात्कार के लिए कई लोगों को घोषित कर दिया गया है, आप जो है यहाँ पर चेकआउट कर लें वेबसाइट में। और वहीं यहाँ पर 101 कर्मशाला निदेशकों को जो है नियुक्ति पत्र, तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र आजकल बटना बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर देखते हैं कि नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने या IRDT जो ऑडिटोरियम है इसमें आयोजित अनुदेशक नियुक्ति पत्र जो समारोह में एक पुस्तकालय अध्यक्ष और यहाँ पर 101 जो है कर्मशाला निदेशक को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं।
और ये जो है आपके अलग अलग जो संस्थान है यहाँ पर इनकी नियुक्ति कर दी गई। योग्यता प्रश्न की ओर से भर्ती करवाई गई थी और वहीं प्रदेश में 31 पदक विजेता खिलाड़ियों को जो है सरकारी नौकरी, तो 31 पदक विजेताओं को जो है सरकारी नौकरी मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पर जो है सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में पहली बार जो है पदक विजेताओं को जो है मिलेगी सीधी नौकरी यहाँ पर देने वाले हैं 31 विजेताओं को। और 10 उत्तर जो छात्रवृत्ति है उसकी योजना बढ़ा दी गई है और यहाँ पर पूरी जो अपडेट है जारी कर दिया गया है। चमोली में बर्फबारी में जो है परीक्षा देने पहुंचे छात्र, तो यहाँ पर देखते बर्फबारी हो रखी है और ऐसे में परीक्षा देने भी पहुंचे कई लोग। और वहीं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी को बेटी की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टी दें, यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करा है। और SP को जो है दिए निर्देश, कहा कि एकल अभिभावक है तो महिला कांस्टेबल उनको छुट्टी दी गई 45 दिन का। अनुसूचित जाति वाले को यहाँ पर 10वें उत्तर में छात्रवृत्ति योजना बढ़ा दी गई है। आंगनबाड़ी के यहाँ पर 15,000 बच्चे जो है 14 दिन में जो है घर बैठे, तो यहाँ पर देखते हैं कि जिले के करीब यहाँ 15,000 बच्चे आंगनबाड़ी और ठीक है कार्यकारियों की हड़ताल के कारण जो है 14 दिन में घरों में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हड़ताल के चलते जो है आंगनबाड़ी के बच्चों को जो है मिलने वाला पालन जो आहार है वो भी यहाँ पर डंप पड़ गया है। तो यहाँ पर देखते कानून चला तो ये दिक्कत हो रही है। और अशासकीय महाविद्यालय और विद्यालय में जो है बदली गई शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया। इसके लिए यहाँ पर जो है स्कूलों में और महाविद्यालय में अब लोक सेवा की भर्ती करने की बात करेगी। इसमें आप अशासकीय स्कूलों में जो LT प्रवक्ता के पद होते हैं या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होते हैं वो अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग की ओर से भर दिए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। कहा है कि यहाँ पर समिति पूर्व में ही यहाँ पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव दे चुका है चुकी है और इसकी भी जो है उच्च शिक्षा की ओर से भर्ती के लिए नियमावली में भी बनाए जा रहे हैं, तो नियमावली भी चेंजेस करे जाएंगे इसके लिए, ये बताया गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वर्तमान में ये व्यवस्था जो है जैसे आपके अशासकीय महाविद्यालय विद्यालय, इसमें वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती प्रबंधक की ओर से भर्ती की जाती है। हालांकि इसमें जो है विभाग के कुछ लोग भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये एक सम्मिलित होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो भी आपकी अशासकीय में LT प्रवक्ता आएंगे, ठीक है, तो शासकीय और शासकीय दो तरह की भर्ती आती है उत्तराखंड में, लेकिन अशासकीय वाली भर्तियों का थोड़ा सा झोल रहता है, तो आप लोगों को पता होगा। बाकी UK पुलिस, UKPC आपके शासकीय वाले कराते हैं, लेकिन अशासकीय वाले जो है अब वो भी आयोग करवाएंगे, जो कि बहुत अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको अपडेट दिया था। कई लोग उसमें कह रहे थे कि भाई LT प्रवक्ता क्या बता रहे, क्या बता रहे करके, तो यही चीज़ LT प्रवक्ता का बताया था मैंने, जिसमें यहाँ पर अशासकीय स्कूलों का था, ठीक है। यहाँ पर भी LTA प्रवक्ता की पोस्ट आती है, कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि अशासकीय स्कूल में भी LTA प्रवक्ता की पोस्ट आती है, कलर के आती है, प्रधानाचार्य की आती है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आती है, लेकिन अब यहाँ पर आयोग के माध्यम से कराया जाएगा, पहले नहीं करता था, उसमें नियमावली में चेंज कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और वहीं उत्तराखंड में DRAE का जो है सुराग में प्रवक्ताओं के 6 पद रिक्त, तो यहाँ पर स्कूलों में जो है शिक्षकों के पद खाली चले हुए हैं, रिक्त पद देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं प्रवक्ताओं के भी। और विद्यालय में 9 पद सृजन है जिनमें स्थानीय लोगों का जो है आरोप और शिकायत के बाद भी आप जो है नहीं तैनात किए गए हैं। और 100% विद्यार्थी अध्ययनरत लगातार है और इसमें छात्र संख्या घटे, क्योंकि शिक्षा की नहीं है तो छात्र संख्या घटेगी घटेगी। और कहा कि प्रवक्ताओं की तैनाती के लेकर लगातार जो है विद्यालय शिक्षा निदेशालय पत्राचार किया जा रहा है और प्रवक्ताओं की तैनाती होते ही जो है अब JIC सुराग में नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना भी है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 40,000 बंपर भर्ती निकाली गई है, 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर प्रधान शिक्षक की पोस्ट है, अगर उत्तराखंड के अभ्यर्थी करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, 30,500 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्था में यहाँ पर 49 पदों की पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IREL में लिमिटेड में 67 पद निकाले गए हैं और UP TPSC में 417 पद निकाले गए हैं, आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एनालिटिक्स की पोस्ट है, 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। RFCL में नौकरी 35 पद निकाले गए हैं, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड में 15 पद निकाले गए हैं, अन्य पद इस तरह का देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चेकआउट कर लीजिए।